शासकीय कर्मचारियों को धमकी देने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की धमकियों में दम नहीं रहा। कर्मचारी और किसान इनके धोखे को जानते हैं और उन्हें पता है कि इनकी सरकार नहीं आने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासकीय कर्मचारियों को चक्की पिसवाने वाले बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की धमकियों से अब कोई नहीं डरने वाला। उन्होंने ऐसी धमकी उपचुनाव के वक्त भी दी थी। उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रदेश के युवा, किसान और कर्मचारी सब कांग्रेस के धोखे को जानते हैं और उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार अब नहीं आने वाली है। वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर मिश्रा ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है और यह खुशी की बात है। अब केंद्रीय कांग्रेस को इस पर अपनी स्पष्ट राय देनी चाहिए कि कांग्रेस समान नागरिक संहिता के पक्ष में है या उसके खिलाफ। हमारी पार्टी की तो जो गुजरात सरकार थी और यहाँ की सरकार थी, दोनों ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर भी लगभग लगा दी और इसलिए अब तो कांग्रेस को अपनी केंद्रीय को स्पष्ट इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करना चाहिए कि वो इसके पक्ष में है समान नागरिक संहिता के खिलाफ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।